देश में लगातार प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पीएम मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने की अपील की। इसी कड़ी में बांदा जिला प्रशासन ने भी एक अनोखी पहल की है। बांदा जिला अधिकारी समेत कर्मचारी भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे, साथ ही लोगों को भी मिट्टी के बर्तनों के इस्तेमाल करने के लिए जागरूक करने के लिए तहसील परिसर में मिट्टी से बर्तनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक आधुनिक मिट्टी के बर्तन प्रदर्शनी में लगे हैं, जिन्हें न सिर्फ लोग पसंद कर रहे हैं बल्कि खरीद कर घर भी ले जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने लोगों को मिट्टी के बर्तनों के प्रति जागरूक करने के लिए खास बुंदेलखंड व्यवसायी बुलाए, जिन्होंने ये प्रदर्शनी लगाई। जिला अधिकारी का कहना है कि पहले भी मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल होता था, यही वजह थी कि प्रदूषण भी कम था और उससे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता था। सभी लोगों को मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये प्रदर्शनी लगी नहीं है, हमने इसको लगवाया है। एक्चुअली जो हम लोग प्लास्टिक रिमूवल की बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक को हटाया जाए, तो हम लोग प्लास्टिक के बहुत सारे अल्टरनेटिव दे रहे हैं। जैसे बैग में हम लोगों ने झोले का अल्टरनेटिव दिया, झोला बंटवाया, झोला युक्त बांधा। अब हमारे जो बर्तन के रूप में प्लास्टिक यूज करते हैं हम लोग, उनको रिमूव करने के लिए हम मिट्टी के बर्तन का अल्टरनेटिव दे रहे हैं। ये जो अभी आपने देखा, ये सारे बर्तन मिट्टी के बने। पुराने ज़माने में हम मिट्टी में ही खाना खाते थे, मिट्टी के बर्तन में ही पकाते थे। मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और खाना अपने आप में उसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। तो एक तो फायदा स्वाद का हो जाता है, दूसरा इसमें बीमारी, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचने के भी बहुत सारे इसमें गुण हैं। तो हम लोग मिट्टी के बर्तन को प्रमोट कर रहे हैं, हमने सभी विभागों को आदेश जारी किया है। और सबसे पहले मैंने अपने घर में इसका उपयोग किया, हमने झांसी से, ये झांसी के रहने वाले हैं, मैंने इसको अमृत माटी, क्या नाम है आपकी कंपनी का, अमृत माटी इनके कंपनी का नाम है, इसमें बुलवाया है, झांसी से अपने सामान मंगाया। और पहले मैंने अपने डीएम के घर में, अपने घर में मैंने इसका प्रयोग किया। जब मुझे उसका सब चीज़ अच्छा लगा तो मैंने इनको यहाँ बुलवाया है, और तहसील सदर में ये हमने दुकान इनकी रखवाई है, टेम्परेरी है, और इसको हम व्यवस्थित करेंगे। हमारी जो प्रेरणा की दुकान है उसके मार्फत हम इसको बुलवाएंगे। और सबसे पहले हम अपने अधिकारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि आप लोग इसका उपयोग करिए, इससे आपका तो बिना किसी अतिरिक्त खर्चे का स्वाद बढ़ेगा और स्वास्थ्य में फायदा होगा। और जो हमारा प्लास्टिक का अभियान है कि हमें प्लास्टिक मुक्त बांदा बनाना है, उसमें सहायता मिलेगा। तो अभी ये शुरुआत किया है और ये बता रहे हैं कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा है। एक साल पहले जब हम जनपद में आए थे तो हमने कार्यालयों में एक आदेश जारी किया था, कोई भी आदमी कप प्लेट में चाय नहीं पिएगा, कुल्हड़ में पिएगा। पूरे आज पूरे जनपद में कुल्हड़ में ही चाय कार्यालयों में मिलता है। तो पहले से हम एक साल पहले से इसका प्रयोग कर रहे हैं, अभी हम कुल्हड़ तक थे, अब हमने इसका दायरा बढ़ा दिया है। अब हमारे हर घर में, किचन में खाना बनाने और खाने में मिट्टी का प्रयोग होगा, इसके लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। वही मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यवसायी महेश प्रजापति भी जिला प्रशासन की पहल से काफी खुश नजर आए। महेश का कहना है कि जिला प्रशासन की ये अच्छी पहल है, इससे न सिर्फ पर्यावरण का संरक्षण होगा बल्कि कुम्हारों को भी फायदा होगा। अमृत माटी इंडिया के नाम से हम मिट्टी का प्रोडक्ट बेचते हैं, कुछ हम पारंपरिक बर्तन खुद बनाते हैं, कुछ इधर उधर से मैनेज करके आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। सर हमको बहुत ही सहयोग मिल रहा प्रशासन का यहाँ से, इसके बाद झांसी से भी बहुत अच्छा हमको प्रशासन से सहयोग मिलता है। अधिकारी है, उच्च वर्ग के लोग हैं, वो बहुत ही इसको सम्मान के साथ ले जाते हैं, ले तो जाते लेकिन सम्मान के साथ ले जाते हैं। बिल्कुल 100% सर लौट रहा है और बहुत ही जल्दी समिति पे आएंगे। बिल्कुल सुने सर, हमारा तो नारा है स्वस्थ रहें,
स्वच्छ रहें और मिट्टी को अपनाएं, फिर से लौट के मिट्टी पे। बिल्कुल होगा सर, 120% होगा और बहुत जल्दी होगा, उसमें देर नहीं लगेगी। उनका सपना पूरा होने में लोग फिर से मिट्टी पे आ जाएं। वो हमारे मत्ते पड़ती है, तो हम तो ये मान के चलें कि नो लॉस नो प्रॉफिट में काम कर रहे हैं, केवल लोग मिट्टी अपना देवा। और हम प्रशासन से सहयोग मिला तो आपके बुंदेलखंड में बहुत जल्दी एक यूनिट खड़ी करके और आपको बुलाएंगे कि सर देखिए हमने आपसे वादा किया था कि बड़ी नहीं तो छोटी यूनिट लगाएंगे। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये एक अच्छी पहल है और सभी बर्तन देखने में भी काफी खूबसूरत भी हैं। सभी को इन बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं यहाँ पर आया हूँ कि यहाँ पर मैंने देखा कि कुछ मिट्टी के बर्तनों का स्टॉल लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर बर्तन बनाए हुए हैं इन लोगों ने, बाहर से लाए हैं और इनके मिट्टी के बर्तनों की खूबसूरती बहुत अच्छी है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छे हैं। क्योंकि प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभियान चलाया है, तो आजकल प्लास्टिक बहुत फैलता है, गौएं खाती है और उससे बहुत पॉल्यूशन प्रदूषण बढ़ता है, उसके स्वास्थ्य के हित में और नुकसान या बाधा नहीं है और स्वास्थ्य के प्रति भी बहुत अच्छी चीज़ है। पर्यावरण के संरक्षण के लिए जिला प्रशासन की अनोखी पहल तो है ही, साथ ही बर्तन व्यवसाय को भी इस पहल से फायदा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।